पशुओं च जानवरों च लंपी स्किन डिजीज जिहड़ी नां दी बीमारी है वह फैली है, उहदे बारे बहुत ही अहम मीटिंग हुई है जिहदे विच पशु पालन विभाग के उच्च अधिकारी, मंत्री साहबान, डेयरी फार्मिंग दे मंत्री साहबान, वित्त मंत्री साहब ते यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना दे वैटनरी डिपार्टमेंट दे डीन साहब, उस सारे ने इस मीटिंग च हिस्सा लिया। एक दो फैसले ले गए ने इस बीमारी नूं रोकण लई ते इस बीमारी नाल निजठण लई पंजाब सरकार बहुत गंभीर है, क्योंकि पशु धन जिहड़ा है बहुत सारे घर उन्हां पशुआं दे दुद्ध दे नाल उन्हां दा खर्चा चलदा है, कबीलदारी चलदी है। बीमारी इह जाम्बिया च फैली सी 80 साल पहलां, इह हुण पिछले 2 साल तो इंडिया पहुंची, उड़ीसा तो उस बाद हुण नॉर्थ इंडिया च यह पहुंची है। पंजाब दे विच ज़्यादा अफेक्टेड जिले जिहड़े ने वह फाजिलका, श्री मुक्तसर साहब, बठिंडा, तरन तारण का इलाका है। वैसे कुछ केस तो हर एक जिले ही पाए जाते हैं पर ज़्यादा अफेक्टेड है। एक तो वड्डे पद्धर ते असी वैक्सीन जिहड़ी है मंगवा ली है, साढ़े कोल पैसे की कोई घाट नहीं। जिहड़ी वैक्सीन जिहड़ी हुण तक इस बीमारी लई रिकमेंडेड है, की उसका नाम जी संत गोटपॉक्स, वो असी भारी मात्रा च मंगवा ली है ते होर भी एयरलिफ्ट करा लांगे जरूरत पई। इस तो अलावा पशु जिहड़े पालक ने उन्हां नूं सलाह भी दित्ती जांदी है कि साफ सफाई रखण उस जगह ते, जे कर सकते ने तां जिहड़े पशु नूं कोई तफड़ होए ने जिहड़ा स्किन दे तां उहनूं किते अलग बन लिया जावे, जां खेत बन लिया जावे दूजे पशुआं तों, तंदरुस्त पशुआं तों थोड़ा जिहा अलग रख्या जावे। ते नाल नाल पशु पालन विभाग जिहड़ा वह कैल्शियम अते होर जिहड़ियां डोजेज ने वैक्सीन तों बिना वह भी उहनां दी इम्यूनिटी वधाउण लई ओह दे रहा। यह भी अज तुहाडे सामने मैं दसना चाहुंदा कि पंजाब दे विच होण वाले सारे पशु मेले जिहड़े ने उन्हां ते फिलहाल रोक ला दित्ती गई है, क्योंकि जिथे भी पशु इकट्ठे होणगे उत्थे इह बीमारी एक तो दूजे तक फैलण दा खदशा है, तो पशु मेलियां ते फिलहाल रोक ला दित्ती गई है। भारत सरकार दे नाल असीं लगातार संपर्क च हां, जे कोई होर वैक्सीन इहदे लई रिकमेंड होई, भारत सरकार ने सिर्फ अज तक इक्को वैक्सीन रिकमेंड कीती है इंडिया च, होई तां उह भी मंगावांगे। ते जिहड़े पशु मर चुके ने साडे कोले ग्राउंड दीआं रिपोर्टां आईआं ने कि उहनां नूं दब्बण वास्ते कई प्रबंध नहीं हैगे, कई लोग इदां ही सड़कां ते किनारियां ते सुट गए, उहदे नाल कोई होर बीमारियां फैलण दे चांस रहिंदे ने। सो असी सारे डिप्टी कमिश्नरां नूं सख्त निर्देश कर दित्ते गए ने कि उहनां नूं दब्बण दा प्रबंध जिहड़ा उह प्रशासन वल्लों कीता जावे। पंचायत दीआं जमीनां पईआं ने जां उह जिथे भी जगह मिलती है 6 फुट बाय 6 फुट का टोआ पट के उन्होंने जोड़ा पशु जोड़े मर गए उन्होंने दबिया जाए, ताकि कोई होर इस तरह की उन्होंने जी हड्डा रोड़ी चो या कितों कोई होर बीमारी ना फैले। तो बाकी पंजाब के सारे बॉडर जोड़े ने उन्हों तो भी कोई किसी पशु डंगर के आन का तो पाबंदी लाई जाती है अगले ऑर्डर तक, क्योंकि अपने यह बीमारी जो हुण तक जो नतीजा कढ़िया कि वह राजस्थान तो पहुंची है, क्योंकि उधरले जिले जिहड़े राजस्थान के बार्डर नाल ने ज़्यादा अफेक्टड ने। तो जिहड़े पशु पालक जे जिन्हां कोल ज़्यादा पशु ने उन्हां नूं भी सलाह दी जाती है कृपा करके सड़कां दे नेड़े जां हाईवेज़ दे नेड़े वह ना पशु अपने चराउणे दे नाल कितें एक्सीडेंट हुंदे ने, मनुखां दीआं कीमती जानां भी जांदियां ने तां पशुआं दा भी नुकसान हुंदा। एक तालमेल कमेटी जिहदे विच
तीनों मंत्री साहबान यूनिवर्सिटी के डीन साहब वैटनरी डिपार्टमेंट के ते पशु पालन विभाग के सैकटरी जिहड़े ने उन्हां दी एक बनाई है वो डे टू डे मोनीटर करूगी और नाल मैं एक थोड़ी जी खुशखबरी भी यही है कि पिछले दो तीन दिनों तो ये घटन के चान जिहड़े सानू सिमटम्स मिल रहे हैं लक्षण घटन के मिल रहे हैं इस करके मैं सारे पशु पालकों जिन्होंने रखे हुए ने उन्होंने संजम रखने की अपील करदा और किते इधरों उधरों अफवाह ना सुनो तो कोई कहिंदा देसी दवाई है कोई है पशु विभाग जिहड़ा पशु पालन विभाग जिहड़ा उन्होंने सख्त हदायतां ने कि आपां जिहड़ा नुकसान नहीं होण देना इस करके जिथे वो कहणगे उत्थे आवांगे छिड़काओ भी मच्छरां दा भी क्योंकि मच्छर भी एक दूजे जदों पशु नूं कटदे ने तां वह ब्लड राही वह जांदी है बीमारी सो ये भी प्रशासन नूं हदायत कर दित्ती गई है ते नाल नाल पशु पालन विभाग कोल भी नाल नाल पंचायत विभाग कोल भी असी पैसे की कोई कमी नहीं इस मामले आउण देवांगे ते हुण तक असी 86,000 दे लगभग वैक्सीन जिहड़ी है लगा चुके हैं जिन्नी भी चाहिए होगी वैक्सीन पक्षों असी जिहड़ा कमी नहीं कोई रहण देवांगे ते नाल नाल एक कोई अफवाह फैल जाती है अक्सर यह असल च जिवें करोना होया सीगा अपने च भी अफवाह फैलियां सी कोई कहिंदा सी टीका लगाउण तो बाद 15 दिन बाद आ हो जाता वह हो जाता पहला लोग टीका लगाउण तो डरदे सी बल्कि जिहड़े वैक्सीन करन जांदे सी उन्हां दे नाल लड़ाई झगड़े भी होए ने बाद दे विच जदों पता लग्या कि इह सेफ है तो फिर लोग आप जिहड़े ने उह अपने नाम लिखाउंदे सी कि साडा जिहड़ा नाम लिख लो सो वैक्सीन जिहड़ी है इहदे नाल बीमारी फैलती नहीं वैक्सीन नाल बीमारी रुक जाती है और पशुओं का जिहड़ा इम्यून सिस्टम है जो कायम होवे तां बीमारी ये घट जाती है तो बाद दे विच बिल्कुल ठीक हो जाती है तो अफवाह फैल जांदियां ने हुण अफवाह फैली है कि शायद दुध नाल जिहड़ा ये पशुओं के दुध नाल ये मनुखां दे विच बीमारी फैल सकती है यह यूनिवर्सिटी दे वैटनरी डिपार्टमेंट वल्लों बिल्कुल मैं आऊँगा चाहूँगा कि वह ये क्लीयर कर देण कि यह बिल्कुल अफवाह है दुध दे नाल ये बीमारी जिहड़ी है मनुखां च नहीं आ सकती ते तुसीं थोड़े दस दिओ मैं यही दसना चाहुंदा भी दुध अपने जिवें आदत भी दुध बॉयल करके पीने हैं दुध कच्चा बिल्कुल नहीं पीना दुध बॉयल करके पीना जो तुसीं दुध बॉयल करके पीने हो तो उहदे च कोई चांस नहीं हैगा कि यह बीमारी अपनी जे जानवर नूं होई हुई है तो किसी भी मनुखां तक पहुँचूगी वैसे ये बीमारी जानवरां वाली बीमारी है ये मनुखां नूं वैसे हुंदी नहीं गी पर सिर्फ एक है कि वहम पै जाता भी हुण जे दुध बालिया नहीं कच्चा पी लिया दुध च कोई होर जरासीम होए तो कोई बीमारी होगी तो ना उधर लग जाता भी लंपी स्किन करके होया इस करके दुध नूं बॉयल करके पियो तो कोई डरन की लोड़ नहीं हैगी कि बिल्कुल नहीं बीमारी फैलती सो यूनिवर्सिटी के काबिल अफसर तो पशु पालन विभाग के काबिल अफसर तो मंत्रियों की टीम जिहड़ी है वो दिन रात काम करूगी तो असी इस पशुओं से आए हुए संकट नूं क्योंकि पशु पालक जिहड़े ने उन्हों का बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होया हुंदा अजकल कीमत जिहड़ी है मझां दी गावां दी लखां दे विच है ते पंजाब दुध उत्पादकां दे विचों वड्डा नाम है सो इस करके साडे लई इह बहुत गंभीर ते अहम विशा है सो असीं इहनूं गंभीरता नाल लैंदे हुए सरकार वल्लों अहम फैसले लए ने आउण वाले दिनां च होर भी फैसले लैणे पए तां तुहानूं असीं समें समें ते दस देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हजे बीमारी रोकण का बंद करन का जिहड़ा साडा सारा ध्यान है उस तो बाद देखांगे कि जिन्हां दे उही पशु सी जिहदे नाल घर चलदा सी जां इस तरह के ने कि जिन्हां का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया दो ही पशु सी दोनों ही मर गए तो उहदे वास्ते असीं फिर कोई कमेटी बना लाँगे मुआवजे बारे भी पर फिलहाल असीं इस गल ते जिहड़ा फोकस्ड हाँ कि इस बीमारी नूं रोकिया जावे ते पंजाब दे विचों इस बीमारी नूं खत्म किया जाए।